इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का आज दूसरा दिन। जी हां, कल पहले दिन की परीक्षा हुई, वहीं आज दूसरा दिन है परीक्षा का। दूसरे दिन की परीक्षा के लिए भी सुरक्षा कड़ी है। बता दें कि 75 जनपदों में 2385 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए किया था आवेदन। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपके बीच साझा कर रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की परीक्षा के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। यहां पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। 75 जनपदों में 2385 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। बड़ी परीक्षा हो रही है, बड़ी सुरक्षा के बीच। यहां लखनऊ से खबर है, जहां यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है और आज परीक्षा का दूसरा दिन है। वहीं परीक्षा के दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है। बता दें कि 75 जनपदों में 2385 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। जी हां, 2385 केंद्र बनाए गए हैं। 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। देखिए, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है और आज परीक्षा का दूसरा दिन है। और बता दें कि कड़ी सुरक्षा, जी हां, कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा चल रही है। वहीं 75 जनपदों में 2385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। ये बड़ी परीक्षा पुलिस भर्ती की लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा की आज दूसरा दिन है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की परीक्षा के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। 75 जनपदों में 2385 केंद्रों पर हो रही है ये परीक्षा। 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां यूपी पुलिस की भर्ती की परीक्षा चल रही है और आज परीक्षा का दूसरा दिन है। बता दें कि ये परीक्षा दो पालियों में चल रही है। कल भी दो पाली में परीक्षा चली और आज भी ये दूसरा दिन है। आज आखिरी दिन है, बस आज परीक्षा होगी दो पालियों में। पहली पाली की परीक्षा चल रही है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा चल रही है। जी, लखनऊ से खबर है, जहां यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की परीक्षा के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। कई इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए 2385 केंद्र बनाए गए हैं 75 जनपदों में। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। जी आनंद जी, कल पहली दिन की परीक्षा थी, दो पालियों में कल की परीक्षा संपन्न हुई। वहीं हमने कल ही देखा था कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हर कमरों में सीसीटीवी कैमराज लगाए गए थे, आला अधिकारी खुद इसकी जांच कर रहे थे। वहीं आज परीक्षा का दूसरा दिन है, तो पहले हम पहले दिन की परीक्षा में बात कर लेते, किसी किस्म की कोई सुरक्षा में चूक तो नहीं हुई? मतलब ये जो नकल विहीन होता है परीक्षा, इस तरह की कोई चीजें तो देखने नहीं मिली, क्योंकि इंतजाम पुख्ता थे? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस भर्ती की जो ये परीक्षा है उत्तर प्रदेश में दो दिन होनी थी, आज इसका अंतिम दिन है। दो पालियों में परीक्षा होती है, 10 से 12 और 3 से 5 ही, दो पालियों में परीक्षा होती है। तो कल करीब पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उसमें 2385 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें करीब 60 मुन्ना भाई अरेस्ट हुए हैं। और उसमें कई ऐसे जो लोग थे जो परीक्षा केंद्रों से अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग जो है वो बाहर पेपर लीक करवाने का प्रयास कर रहे थे पैसा अभ्यर्थियों से लेके, तो वो लोग भी अरेस्ट हुए हैं। जैसे फिरोजाबाद में दो लोग अरेस्ट हुए हैं, वो बिहार के थे, 5-5 लाख रुपए लेकर वो लोग जो है एक पुलिस भर्ती का जो है पेपर जो परीक्षा होनी थी उसका पेपर जो है अभ्यर्थियों में बांट रहे थे, तो उनको वहाँ की पुलिस ने और एसटीएफ ने मिलकर पकड़ा था। ऐसे ही पूरे प्रदेश में जो है करीब 60 मुन्ना भाई इस परीक्षा के दौरान अभी तक पकड़े गए हैं। आज सुबह चित्रकूट में जो है दो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, दोनों बिहार के हैं और वो लोग भी दूसरे की जगह पे परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ भी पकड़े गए हैं। और जो है ये राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, तो ये उसी विद्यालय में दोनों पकड़े गए हैं। और दोनों जो है ये दोनों भी जो पकड़े गए मुन्ना भाई, ये दोनों बिहार के हैं, सासाराम के आसपास के हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि इतनी सुरक्षा, इतनी पुख्ता व्यवस्था के बावजूद करीब 60-62 लोगों के अभी तक जो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, पकड़े जाना, और क्योंकि नकल विहीन परीक्षा के लिए नकल अध्यादेश भी आ चुका है, तो इनके ऊपर NSA भी लगेगा, ये गंभीर कार्रवाई होगी और कई साल ये जो है जेल में बंद रहेंगे, छूट नहीं पाएंगे, मुकदमे चलेंगे इनके ऊपर और गंभीर धाराएं इनके ऊपर लगाई जाएंगी। तो इतने सख्त कानून के बावजूद जो है अभी तक ये करीब 60 या 62 जो है मुन्ना भाई पकड़े गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि परीक्षा तो अभी तक एकदम क्लीन और एकदम साफ हो रही है, लेकिन जो
परीक्षा केंद्रों के बाहर जो लोग पकड़े जा रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन इनकी मंशा क्या है इस परीक्षा को विफल कराने का, तो उसका अभी तक तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे लोग, लेकिन जिस प्रकार से इनका प्रयास है वो अभी तक असफल साबित हुआ है जी। और एक अच्छी और सुंदर परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार जो है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो करा रही है। मतलब हम कह सकते हैं प्रशासन ने जो इंतजाम किए, जो पुख्ता इंतजाम किए और जो सुरक्षा दी, उसका कहीं ना कहीं उन्हें फायदा भी हुआ है। मान लीजिए छात्र जो है अपने हरकतों से बाज नहीं आए, लेकिन प्रशासन की चौकसी ने यह साबित कर दी है कि प्रशासन अगर चाहे तो उनकी हर मंशा को नाकाम कर सकती है। बहुत अच्छे से ये परीक्षा चल रही है, जैसा कि आपकी बातों से अंदाजा लगा सकती हूं मैं। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।